नमस्कार, नेशन वन में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं GTM कंपनी के MD तुषार कुमार जी। तुषार कुमार जी से बात करेंगे, तीखे सवाल भी होंगे और अच्छी बातें भी होंगी। तुषार जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया। नेशन वन में हमारा सबसे पहला सवाल ये है कि जो आपकी सिडकुल का जो मैटर था, जो बड़ा वैसे भी हाईलाइट रहा है, उसमें आपका क्या वर्जन है, सच्चाई उसमें क्या है? एक तो मुझे लगता है कि आपने मेरा वर्जन लेने में बहुत देरी कर दी और बहुत कुछ आपके चैनल के माध्यम से आप लोगों ने दिखाया। आप लोगों को एक आप लोगों के चैनल के माध्यम से मुझे पता लगा कि कोई RC इशू हुई है, जबकि आज इस इंटरव्यू तक हमारे पास में कोई भी ऐसी इंटीमेशन किसी भी अथॉरिटी से नहीं है ऑफिशियली कि हमारे अगेंस्ट कोई भी RC या कोई भी ऐसा डिमांड नोट इशू हुआ है। ये एक प्रोजेक्ट है, 2013 में हम लोगों ने लैंड ली थी और उस पर हम एक हाउसिंग प्रोजेक्ट बना रहे हैं, इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। नहीं, जहाँ तक RC की बात करते हैं तो उसमें ऑफिशियल वर्जन भी रहा है कि GTM को RC जारी की है, बरहाल वो आपको नहीं मिली है, वो प्रशासन का और आपका सिडकुल का और आपका, वो इंटरनल आपकी चीज़ है। हमारा तो सवाल सिर्फ ये है, क्या वजह ऐसी रही जो समय पर सिडकुल का पैसा आप नहीं दे पाए, आपकी कंपनी नहीं दे पाई? आप लोगों के पास एक ही स्टोरी है RC की। 2013 में ये ज़मीन अलॉट हुई, 40% लैंड का प्रीमियम, लगभग 9 करोड़ रुपया उस वक्त जमा किया गया हमारे द्वारा और हमको इस लैंड का कब्ज़ा एक साल से भी ज़्यादा समय, मतलब लगभग 2014 नवंबर में जाके मिला, क्योंकि ये ज़मीन रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया, नबार्ड और आसाराम का जो आश्रम है उसके बीच की ज़मीन है। तो इसमें समस्या रही कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया की ज़मीन ज़्यादा होगी या नबार्ड की होगी, और आप हैरान होंगे ये बात सुन करके कि फ़ाइनल कब्ज़ा 2015 में जा करके मिला। तो हमारा सिडकुल को एक चीज़ कहना है कि 5 साल की इंस्टॉलमेंट्स हमको दी गई, 2014 से भी अगर काउंट करें तो 2019 दिसंबर तक मेरे पास समय है पेमेंट देने का, और मेरे हिसाब से, कंपनी के हिसाब से, हम रेगुलर पेमेंट्स कर रहे हैं। पेमेंट्स को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है जिसके लिए हमने अपनी पूरी प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंटेशन हमने सिडकुल में डिपॉजिट करा दी है, जमा करा दी है। अच्छा, एक इसके साथ ही एक परिवहन विभाग द्वारा आपको ज़मीन अलाट की गई थी जिसमें सिटी सेंटर बनना था, उसके अभी क्या उसकी स्थिति है, कितना उसमें काम आप लोगों ने किया है? क्योंकि वो काम 30 महीने में, जो हमें जानकारी है, पूरा होना था, जबकि 3 साल होने को जा रहे हैं और वहाँ अभी तक कोई ऐसी स्थिति नहीं है, तो उसमें आपका क्या? उसमें लैंड PPP मोड पर है, उत्तराखंड ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ हमारा PPP वेंचर है, उसका नक्शा पास होना है, जो कि मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी MDDA ने करना है। वो नक्शा अभी तक पास नहीं हुआ, तो जब तक नक्शा पास नहीं होगा, उसका प्लान्स अप्रूव नहीं होंगे, हम उसमें कोई भी काम नहीं कर सकते। बिल्कुल, तुषार साहब का बिल्कुल सीधा ये कहना है कि जब नक्शा ही पास नहीं हुआ तो उसमें बिल्डिंग कैसे खड़ी होगी, बिल्कुल सही है ये। सर, आपसे एक आखिरी सवाल हमारा ये है कि जनता को ये आश्वासन देंगे कि जो भी वादा आपकी कंपनी कर रही है, GTM कर रही है, वो पूरा होगा? इस प्रदेश में GTM को काम करते हुए 12 साल से ऊपर हो गए, लगभग 700-800 फ्लैट हम लोग इस वक्त हमारे अंडर कंस्ट्रक्शन में है, 500 फ्लैट हम हैंडओवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, इसके अलावा कई सारे प्रोजेक्ट्स हम ऑनगोइंग, अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो कर रहे हैं। तो GTM अपने आप में एक ब्रांड है और GTM की जो भी कमिटमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट को हो, चाहे वो किसी इंडिविजुअल क्लाइंट को हो, वो GTM फुलफ़िल करता रहा है और फुलफ़िल करता रहेगा, और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। ठीक है, तो ये हमारे साथ थे GTM के MD, जिन्होंने बिल्कुल साफ तौर पर कहा है कि GTM अपना वादा, जो लोगों के आशियाने का जो वादा है, वो पूरा करेगी। धन्यवाद तुषार।